हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जेई एडवांस के सॉल्यूशन के ऊपर, और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथी ने गेस करके हमारे पास भेजा है, हमारे साथी मतलब हमारे किसी स्टूडेंट ने, तो उनका ये कहना था कि भाई एक इंटीग्रल दिया हुआ है आई इक्वल्स 0 to 10 बॉक्स ऑफ अंडर रूट टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल बॉक्स। बॉक्स कहे तो बच्चे जी आई एफ, राइट। ये आई इक्वल्स दिया गया, तो इनका क्या कहना, क्या भेज रखा है उन्होंने, हाँ, तो अपने को 9 इंटू आई की वैल्यू बतलानी है। मुझे कंफ्यूजन है, 9 आई है फिर 6 आई है, 9 आई लिखा होगा, 9 आई की वैल्यू बतलानी है। तो देखो बच्चे, यहाँ बॉक्स लगा हुआ है और बॉक्स को इंतजार किसका रहता है, इंटीजर्स का, राइट। तो सबसे पहले आप बॉक्स के अंदर वाली क्वांटिटी को देखो, ये 1 के बराबर कब हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसको 1 के बराबर कैलकुलेट करके x निकालते हैं, तो बच्चे 10x अपॉन x प्लस 1 को मैं 1 से इक्वेट करता हूं, तो बच्चे यहां से x की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइडेड बाई 9 आएगी बच्चे, ठीक है। चलिए भाई, इसका मतलब अगर आप x को 1/9 से छोटा रखेंगे तो बॉक्स के अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, उसका बॉक्स 0 रहेगा, राइट। इसी प्रकार से अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 को बच्चे अब 2 से इक्वेट कर देते हैं, तो 2 से इक्वेट करेंगे, तो यहां से आप इस पर वगैरह कर लो, तो 10 माइनस 4 6 एक्स इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2/3 आएगा, यानी 1/9 से 2/3 के बीच में इसकी वैल्यू 1 रहेगी, बॉक्स की वैल्यू 2/3 पे पहली दफा कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। अब बॉक्स क्या ढूंढेगा, 3 कब हो जाए भाई, तो यानी बच्चे अब अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 को आप 3 से इवेलुएट कर दो, तो 9 यहां से भाई x की वैल्यू 9 आ गई। अब आप आगे जाएंगे तो x नेगेटिव आएगा, और x नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। यानी अगर आप 4 रखेंगे तो बच्चे x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू बच्चे आप 4 के इक्वल करते हैं, तो ऐसे केस में x नेगेटिव आएगा, जबकि यहाँ लिमिट 0 से 10 में चल रही है, राइट। तो हम यहाँ तक रुक गए। अब देखो करते क्या लाल, अब हम इंटीग्रल के अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, राइट, और बहुत ही आसानी से शायद हम एरिया निकाल ले जाए इसका। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से इसको प्लॉट कर लेते हैं। आपको ज्यादा तकलीफ यहां नहीं होने वाली है। चलिए, तो बच्चे 0 से 1/9 तक, जब x 0 से 1/9 तक आएगा तब तक बॉक्स की वैल्यू 0, और बच्चे 1/9 पे पहली दफा ये कहां गया, 1 पे गया, कब तक 1 रहेगा, 2/3 जब तक वैल्यू ना मिले। अब 2/3 पे 2 हुआ, कब तक 2 रहेगा, जब तक 2/3 वैल्यू 2 हुई, अब कब तक 2 रहने वाला, जब तक ये अंदर वाली क्वांटिटी मींस ये बॉक्स कहां ना पहुंच जाए, 3 पे ना पहुंच जाए, तो कहां पहुंच रहा है, 9 पे पहुंच रहा है, राइट। चलिए, तो बच्चे 2/3 पे पहली बार कहां पहुंचा, ये 2 पे, और ये 9 तक 2 पे ही रहेगा। जरा 9 पुट करके आप देख लीजिए, यहाँ पे 90/11 होगा, तो बच्चे ये लगभग कितना आएगा, 8 point something, राइट, उसका रूट जो भी होगा 2 point something आएगा, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी,
9 पे 3 पे गया, कब तक 3 रहेगा, तो 10 पे खत्म ही करना है इंटीग्रेशन को। तो बच्चे यहाँ पे 3 पे गया और 10 पे कहानी हो गई खत्म। तो साथ ही आपको ये ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करना भी, हमारी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की लेटेस्ट वीडियो देखती है तो ऐसे सवाल मैंने करवा रखे हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इजी प्रॉब्लम की कैटेगरी में इसको रखूंगा। तो ओवरऑल इंटीग्रल बच्चे दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया के बराबर होगा। चलिए तो साथ ही ये वाला एरिया जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला एरिया तो 2/3 से 1/9 माइनस करेंगे, 2/3 माइनस 1/9, तो बच्चे यहां से कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। 9 माइनस 2/3 इंटू 2 करना है, 9 माइनस 2 क्योंकि सारे रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स बन रहे हैं आपके पास, तो लाल यहां से आ जाएगा 27 में से 2 माइनस होगा 25/3/2 यानी 50/3 आ गया। इसको देख लेते हैं लाल, तो 10-9 1 होगा सिंपली, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 9 × i पूछा है, तो i की वैल्यू तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे, तो बच्चे 9 × i का मतलब 5/9 प्लस 50/3 प्लस 3, तो यहां से कितना आएगा, 5 प्लस 150 प्लस 27 यानी 182 विल बी राइट आंसर, अगर हमारे साथी ने सही सवाल भेजा है। ठीक है, तो बच्चे इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।